मनीष कश्यप भी जेल जाएगा, विजय सिन्हा पर केस हो, भाजपा के जितना नेता इस पर केस हो, पहले इन्होंने माफी मांगा, माफी मांगे, बयान जारी करे, सोच रहा है कि हम सीएम फेस हो जाएं भाजपा से, तो आ जाओ मैदान में, टीएसपी से फैसला कर लो, टीएसपी कोई गाली दे रहा है, इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं, जहाँ मिलेगा इसका इलाज किया जाएगा बिहार में, यूपी नहीं है। तो मनीष कश्यप तो बोल रहे हैं कि हम मतलब 180 दिनों के अंदर मतलब की सरकार गिरा देंगे। ये सरकार क्या, कितना विधायक किसके पास है, इसका विधायक कितना, ये अपने खुद चुनाव लड़ चुका है, ये आप लोग जान लीजिए मीडिया में, वो मीडिया है, वो चुनाव लड़ चुका है, मनीष कश्यप इस संघ का एजेंट है, नीतीश जी ना किसकी, नीतीश जी की सरकार ना है, गृह विभाग किसके पास, वो पता ही नहीं है, कैसे वो मीडिया बन गया, कैसे इंजीनियर बन गया, वो इंजीनियर है, फेक इंजीनियर है साला मनीष कश्यप, वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और वो नागपुर के कैंप से ट्रेंड होके जो है समाज में जहर बोने का काम करता है, और वो भोले भाले समाज के जनता को 500,000 रुपया में खरीद के उसको नाटकीय ढंग से वीडियो बना के वायरल किया, और देश में आपस में देश में दंगा फैलाने का काम किया। मनीष कश्यप का सीधे तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा मतलब एफआईआर करवाया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव क्यों एफआईआर करवाएगा उस पे? वो देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा था, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहा था, उस पे कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। इसका सब जेल जाए, कहाँ भागेगा ये? बिहार हम लोग नहीं, दंगा का आरोपी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जब जेल जाएंगे तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। सड़क पर उतरेगा, हम लोग भी उतरेंगे सरकार के पक्ष में। मतलब मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया तो जेल जाकर एफआईआर कहाँ जाएगा? भाग कर भागा होते हैं, बोल रहा है कि हम आएंगे गिरफ्तार करेंगे, आओ ना बिहार, बिहार की धरती कुछ इलाज करने के लिए तैयार है, आ जाओ बिहार तुम, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मनीष कश्यप कहीं भी भाग जाए, वो विदेश भी चला जाए ना, उसे ढूंढ के बिहार पुलिस लाएगी। जनता से हम रिव्यू जब लेते हैं तो जनता बोलते हैं कि मनीष कश्यप कोई जेल में बंद नहीं कर सकता, हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। हम जनता नहीं है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है पटना में, और हमारे साथ मौजूद है दो युवा, और जैसा कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आरजेडी पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है, और एक और चर्चा का विषय है जो मनीष कश्यप पर और बहुत सारे पत्रकार पर एफआईआर हुआ है, यही सब मुद्दों पर हम लोग से बात करते हैं कि इन लोगों का क्या राय है। सबसे पहले सर आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? जबीश यादव पेरियार हुआ जी। जैसा कि पूरे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है, जैसा कि आरजेडी के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रहा है सीबीआई का और ईडी का, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? लालू जी झुके वाले हैं, छापा से लालू जी ने डरे हैं, न तेजस्वी डरेंगे, और जो आने वाला बच्चा है राजश्री जी को भी तंग किया गया है, इसलिए जो आने वाला बच्चा है वो भी संघ के खिलाफ, नाथूराम गौसे के खिलाफ संघियों से लड़ाई लड़ेगा, इसलिए छापा जिस नेता पर छापा मारा जाएगा बहुजन समाज देश का, वो है जो उस नेता को ईमानदार मानेगा। पहले का जमाना नहीं है, 90 का बिहार नहीं है, पढ़ा लिखा हम लोग हैं, इसलिए इस सरकार के 24 की लड़ाई है, इसलिए हम लोग झुकने वाले नहीं है, न लालू जी झुके हैं न तेजस्वी झुके हैं, हम लोग कार्यकर्ता भी राजद के सिपाही खड़े हैं। जैसा कि सीबीआई में छापा में मतलब निकल कर आ रहा है कि जब जमीन के बदले में नौकरी मिलता था, देखिए सब आ रहा है, मतलब बहुत सारा देखिए आज रेल को बेचा जा रहा है, सब लोग जान रहे हैं अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है। लालू जी ने आंकड़ा देखिए, आंकड़ा पर बात होगी ना, देश में आंकड़ा पर बात होगी। बात यह है कि 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। लालू जी को आज नया है, मिश्रा जी लालू जी को जेल, मिश्रा जी को बेल, मिश्रा जी को आत्मा शांति मिले, हम आपको बताना चाहते हैं मीडिया साथियों कि मिश्रा जी को आत्मा शांति मिले, लेकिन लालू जी को जेल हो जाता है, मिश्रा को बेल होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, इसलिए जिस नेता जान के करवाया जा रहा है, हाँ जान से 24 की लड़ाई है, नीतीश की भाग जाए, नीतीश जी को डराया, लालू जी को डराया जा रहा है ताकि नीतीश जी चले जाए। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, जब से हलचल शुरू हो गया है, हाँ नीतीश जी आए, उसके पहले कहाँ छापा, 17 में उसी प्रकार छापा मार कर तेजस्वी को डराया गया, नीतीश जी चले गए, इसलिए ये लड़ाई आर पार की होगी, न लालू जी झुके हैं न हम लोग झुकेंगे। तो कहीं ना कहीं नहीं आपको लग रहा है कि मतलब नीतीश जी आए हैं तो उनको बीजेपी में शामिल करने के लिए ऐसे लोग कर रहे हैं? लेकिन नीतीश जी खिलाफ मुरेठा बांध के आए, नीतीश जी भी अभी समझ गए हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे। नहीं पलटी किसे मारेंगे, 24 की लड़ाई है, आर पार हो गया है, हम लोग नीतीश जी को आगे ले जाएंगे बिहार, नीतीश कुमार को पीएम बना देना है, पीएम बना देना, हम लोग जुट है, नीतीश जी का निर्णय लेना है, इसलिए नीतीश जी का निर्णय ले लिए हैं हम लोग। क्या लग रहा है नीतीश कुमार 2024 में पीएम बन जाएंगे? देखिए पीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये जनता की अदालत में फैसला होगा, लेकिन ये जो केंद्र में फांसीवादी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसको तो 2024 में ऐसा उखाड़ के फेंकेगा कि जो हाल कांग्रेस का हाल है वही बीजेपी का भी होगा।
आप इससे पूछ रहे थे जो तमिलनाडु वाला मुद्दा पे पत्रकार पे केस होता है, आप बताइए आप स्वतंत्र पत्रकार है कि नहीं है? जी सर। कैसे आप कहते हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं आप? हम तो नहीं मानते आपको स्वतंत्र पत्रकार हैं आप। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते हैं? आज देश में जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है सब पे मोदी जी का कब्जा है। जितना छोटे छोटे पत्रकार है सब पे मोदी जी का कब्जा है, सब पे संघ का कब्जा है। मनीष कश्यप वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और वो नागपुर के कैंप से ट्रेंड होके जो है समाज में जहर बोने का काम करता है और वो भोले भाले समाज के जनता को 500,000 रुपया में खरीद के उसको नाटकीय ढंग से वीडियो बना के वायरल किया और देश में आपस में देश में दंगा फैलाने का काम किया। और कोई भी आदमी कोई भी सरकार जो दंगा फैलाने का काम करेगा उसको कानून अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन जो बीजेपी का गुण गाएगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं होगा। केंद्र सरकार उसके ऊपर महामंडित है। उधर मनीष कश्यप पर FIR हुआ, इधर RJD पर मतलब CBI और ED का छापा पड़ रहा है, तो कहीं ना कुछ कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा आपको? देखिए भाजपा एक ऐसा सफाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, अगर कितना भी कोई काला और कितना भी कोई बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, भाजपा में जैसे ही शामिल होगा वो सफेद हो जाएगा। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी था, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। असम में हेमंत विश्व शर्मा था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। कि मनीष कैसे बीजेपी का आदमी है? बीजेपी का तो कम, वो आरएसएस का ज्यादा है। और आरएसएस मतलब बीजेपी, बीजेपी का कोई औकात है आरएसएस के बिना? बीजेपी तो आरएसएस का मुखौटा है, वो तो आरएसएस के सिद्धांत पे काम करती है, वन टॉप आउट। तो मतलब मनीष कश्यप का सीधे तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा मतलब FIR करवाया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव क्यों FIR करवाएगा उस पे? वो देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा था, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहा था, उस पे कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। बिहार सरकार। देखिए मनीष कश्यप का नाम ले रहे हैं, इसका नाम तिरुपुरारी तिवारी है, इस संघ का एजेंट है, हम लोग पहले भी जानते थे। इसलिए नीतीश जी का निगरी विभाग है, सोच रहा है कि हम CM फेस हो जाएं भाजपा से, तो आ जाओ मैदान में, TSB से फैसला कर लो। TSB कोई गाली दे रहा है, इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं, जहां मिलेगा इसका इलाज किया जाएगा बिहार में, UP नहीं है। तो मनीष कश्यप तो बोल रहे हैं कि हम मतलब 180 दिनों के अंदर मतलब की सरकार गिरा देंगे। ये सरकार क्या, कितना विधायक किसके पास है? इसका विधायक कितना है? ये अपने खुद चुनाव लड़ चुका है, ये आप लोग जान लीजिए मीडिया में, वो मीडिया है, वो चुनाव लड़ चुका है। अभी मनीष कश्यप इस संघ का एजेंट है, नीतीश जी की सरकार ना है, गृह विभाग किसके पास, वो पता ही नहीं है, कैसे वो मीडिया बन गया, कैसे इंजीनियर बन गया, वो इंजीनियर है, फेक इंजीनियर है। बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के शासन में बहुत सारा वीडियो बनाते थे, हमको पर कुछ मतलब नहीं होता था कार्रवाई, जैसे ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हम वीडियो बनाए तो हमको SB जी का नाम ले रहा है फेमस होने के लिए। सीधा जानिए इस संघ का दलाल है, ये सोचता है फेमस हो जाए। TSB जी पर हजारों लोग लालू जी को नाम लेकर आगे बढ़ गए हैं, ये चाह रहा TRP लेना चाह रहा ना, इसलिए इस पहले जाने की जरिए विवाह किसके है ये पता कर ले। गूगल चलाता है ना ये मनीष कश्यप, गूगल चलाता है, उस पर देख ले जाके, गृह विवाह नीतीश जी के पास है, नीतीश जी का नाम नहीं लेता है, TSB जी नाम लेता है, इसलिए पुराना आदर्श संघ करा है लालू जी, इसलिए ये मनीष कश्यप जेल जाए, कहां भागेगा ये? बिहार हम लोग नहीं, दंगा का आरोपी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जब जेल जाएंगे तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। सड़क पर उतरेगा, हम लोग भी उतरेंगे सरकार के पक्ष में। सर कितना है, उतर जाए। उनको कहने का अर्थ हो रहा है कि जब हम लोग डिजिटल मीडिया वाले लोग आवाज उठा रहे थे उस आवाज को मतलब दबाने का काम कर रहे थे, दंगा कराइएगा तमिलनाडु बिहार कराइएगा, ये दंगा कराने का काम किया है, ये हम लोग नहीं केस किए ना। तमिलनाडु का घटना क्या सच था या झूठ था इसमें आप लोग फाड़े फाड़े? विजय सिन्हा पहले माफी मांगे विधानसभा में जाकर, उन्होंने कहा था TSB जी को कि माफी मांगेंगे, एक दंगा भड़काएगा होली के पहले 10 दिन पहले ना, मनीष कश्यप भी जेल जाएगा, विजय सिन्हा पर केस हो, भाजपा के जितना नेता इस पर केस हो, पहले इन्होंने माफी मांगा, माफी मांगे बयान जारी करे, माफी मांगे, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। हाँ राजनीतिक मुद्दा है, तो बनाया ही गया है। वहाँ के लोग कुछ कुछ भी बोल रहे थे कि मतलब ये कुछ कुछ घटना सही है, कुछ कुछ गलत है, वहाँ के लोग ऐसा बोल रहे। देखिए लोग देखिए डर गए हैं, आप कहीं भी जाए, आप मीडिया बंद हुई, दिल्ली जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, अलग जगह रहे हैं तो डराया जाएगा, डर के मारे लोग आने लगे। कुछ मीडिया बंधु जो थे, एक्सपोज मीडिया बोल सके, विकास आजाद जी, उन्होंने जाकर देशवीर वेद प्रकाश जी ने जाकर उनका पोल खोलने का काम किया, पूरा संघ का मुखौटा सामने आ गया। मतलब मनीष कश्यप पर FIR हो गया तो जेल जाकर FIR कहां जाएगा, भागकर भागा हो क्या? बोल रहा है कि हम आएंगे गिरफ्तार करेंगे, आओ ना बिहार, बिहार की धरती कुछ
इलाज करने के लिए तैयार है, आ जाओ बिहार तुम, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मनीष तेजाब कहीं भी भाग जाए, वो विदेश भी चला जाए ना, उसे ढूंढ के बिहार पुलिस लाएगी। जनता से हम रिव्यू जब लेते हैं तो जनता बोलते हैं कि मनीष कश्यप कोई जेल में बंद नहीं कर सकता, हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। हम जनता नहीं है, हम जनता है ना। मनीष कश्यप क्या है, एक रिचार्ज है, वो आरएसएस का आदमी है, उसका फोटो भी है, वो आरएसएस का आदमी है, उसकी माँ बोल, माँ को नमन है, माँ को सलाम करते हैं, नमन नहीं सलाम करते हैं, लेकिन उसका वो अपने बेटा को समझाए कि यह जो दंगा भड़काने का आरोपी है, दंगा भड़काने का आरोपी है, उसे केंद्र सरकार भी केस करे, केंद्र सरकार क्यों बचाया जा रहा है। तो मनीष कश्यप तो बहुत सारे लोगों को मदद भी करते हैं, मदद करते हैं दंगा करके, दंगा से बड़ा कोई अथी होता है यार, आरोपी है ना, इसे गिरफ्तार ही से हो किया जाएगा। चलिए देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पर युवा थे, इधर भी अक्सर है, क्या नाम है सर आपका? किरण देव यादव खगड़िया, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष जी। अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आरजेडी पर लगातार सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है, उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे जी, आज का जो कार्यक्रम है, जो यहाँ का मुद्दा है, उस मुद्दा पर चर्चा होनी चाहिए जी, जी। आप इसे ध्यान भटका करके आप मनीष 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 कर रहे हैं, ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? चल रहा है सर पूरे देश में, मुद्दा वो नहीं, वो मुद्दा देश में नहीं है, मुद्दा है बहुजन की, मुद्दा है जी, मुद्दा है आज का यहाँ का बहुजन संसद का। आप ये सवाल उठाएं कि बहुजन संसद का क्यों आयोजन किया गया है, यह मुद्दा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा सर बताइए, मतलब क्यों आयोजन किया? मुद्दा यहाँ मनीष कश्यप का मुद्दा नहीं है, जो आप बार बार हमारे तमाम साथियों से ये सवाल उठा रहे हैं, मुद्दा है बहुजन संसद क्यों लगाई गई है। मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे बिहार के कोने कोने से बहुजन आकर के बहुजन संसद का आयोजन रविंद्र भवन पटना में किया गया है। यह लगाने का हम लोग का मुख्य मकसद यह है कि आज जो हम लोग चुनाव में जीता करके लोकसभा का सदस्य बनाने का काम करते हैं, लोकसभा में हम संसद को भेजने का काम करते हैं चुनाव जीता करके, लेकिन यह संसद बहुजनों के हित में किसी प्रकार का, देश के हित में, देश के कल्याण करने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के सवाल को लेकर के, बहुजन के विकास के सवाल को लेकर के किसी भी प्रकार का प्रस्ताव वहां पारित नहीं करते हैं सदन में। इसलिए आज लोकसभा के शरण और बनाम हम लोग बहुजन संसद का आयोजन किए हैं जी, जी। इस बहुजन संसद के माध्यम से हम लोग यहाँ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि आज बहुजनों का जो सवाल है, बहुजनों के जो सर्वांगीण विकास का सवाल है, भले वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, बौद्धिक हो, सांस्कृतिक हो, इसका विकास हम लोग कैसे करें जी। इस पर हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को और राष्ट्रपति को हम लोग प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव को वहाँ भेजने का काम करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि इस सदन के माध्यम से जो हमारा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को धरातल पर लोकसभा में पारित करे, यह हमारा मांग है। चलिए सर से बात करके काफी अच्छा लगा, और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, जय हिंद।